और हाँ, एक चीज याद आई मेरे को कि आपको एक खुशखबरी बतानी थी शायद। हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है। और आज का देखो मौसम कितना प्यारा हो रहा है ना। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह की 10 बज रही है, और अभी मतलब ऐसा है कि कल मैं यहाँ से रुद्रप्रयाग के लिए गया था, तो काफी छोटा सा ब्लॉग बना था, तो ज्यादा हुआ वहां कुछ शूट नहीं कर पाया मैं। तो जैसे है ना, बहुत दिनों बाद मैंने गाड़ी में ट्रेवल किया, तो एकदम सर दर्द होना स्टार्ट हो गया था, तो वीडियो उतना बना नहीं। फिर मैंने घर ही में थोड़ा बहुत शूट कर लिया था, और कल का एक छोटा सा वीडियो ऐसे बनाया मैंने। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और अभी देखो मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, मतलब धूप लगी हुई है और ऊपर बादल भी लगे हुए हैं, तो ऐसा कुछ मौसम हो रखा है अभी सुबह का। तो देखते हैं आगे दिन भर में क्या क्या होता है। और पता है इस वाले मौसम में एक चीज मैंने और गौर की कि मतलब पिछली बारी ना हमारी ककड़ी बहुत सारी लग जाती थी, या बहुत सारे भुट्टे हो जाते थे, मुंगरी जिसे बोला जाता है पहाड़ी लैंग्वेज में, तो बहुत सारे लग जाते थे। लेकिन इस बारी ना मतलब ककड़ी भी ऐसे हो रही है कि अंदर सड़ी हुई टाइप की हो रही है, पता नहीं कैसे, लेकिन बहुत चीज हो गया। और आज एक ककड़ी का प्लान बनाया कि एक ककड़ी निकालेंगे हम, और घर में नमक को पीसेंगे सिलवट्टे में एकदम अच्छा ढंग से, तो वो दिखाते हैं आपको। पहले उसकी तैयारी करते हैं और मिलते हैं आपको सीधे ककड़ी के साथ। तो ये देखो यहाँ पे है ककड़ी, तो इसको निकालेंगे या और भी देखते हैं क्या निकालते हैं। और ये है कुछ सामने का व्यू आज का, ये देख सकते हो काफी प्यारा व्यू है ना। तो आज सुबह से वैसे बारिश तो हुई नहीं है, तो ये देखो यहाँ पे भी देखो कितने बड़ा गदेरा रखा है, और इस साइड भी एक बड़ा सा, ये सामने पे यहाँ पे देख सकते हो। और ये हमारे चौक के यहाँ पे लगा रखे हैं फूल, ये देखो इस ये जो तेल के कनस्तर लाएंगे ना मार्केट से, तो यहाँ देखो फूल लगा रखे हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे पीसा जा रहा है नमक, हरी मिर्च का नमक, और लहसुन है, और ये कोई देखो ये कोई जड़ी बूटी है शायद और यहाँ पे हमारी ककड़ी, ये देखो कोई कोई मिर्च ना इतनी मोटी थी, तो इसको तो डाला नहीं है, शिमला मिर्च की तरह लग रही ना ये, लेकिन शिमला मिर्च है नहीं ये, ये देख सकते हो ये हो गया, और ये तो और नहीं डाली। फिलहाल ककड़ी, फिलहाल नमक तो तैयार हो रहा है हमारा, और ककड़ी है यहाँ पे। ओ भाई, पता ये नमक काफी तीखा हो रहा है, लेकिन खाने में ना बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि स्वादिष्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। तो हाँ जी भैया, तो ककड़ी तो हमने खा ली है, तो देखा आपने उसमें ना एक चीज हो गया था कि बहुत ही नमक तो बहुत ज्यादा टेस्टी था, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिर्च ज्यादा हो गई, तो कोई नहीं, पर बड़ा गजब का था यार। तो ऐसे ही अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना जरूर, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और आपको दिखाता रहूंगा मैं पहाड़ी लाइफस्टाइल और भी। और आजकल जितने भी ये हैं, ये देखो जितने भी आपको खेत दिखाई दे रहे हैं यहाँ, मतलब यहाँ नीचे तो यहाँ बो रखा था मंडवा हो गया और झंगोरा, तो ये चीज है ऊपर तक देखो पूरे सीढ़ीदार खेत ऊपर वहां तक, तो ऐसा कुछ होता है पहाड़ों में, तो ज्यादातर सीढ़ीदार खेत तो सबकी मतलब तो यहाँ मंडवा भी निकाल दिया इन खेतों से, ये देख सकते हो यहाँ पे भी मंडवा निकाला गया, ये भी मंडवे का खेत है, और आगे जो खेत है ना उनमें भी मंडवा लगभग निकाल दिया, और कुछ बचा हुआ है जो इस खेत में कुछ ये बड़े बड़े जो पौधे दिखाई दे रहे ना आपके, ये है रामदाना के, तो आप कुछ टाइम पे उसको भी लाते हैं, और उसकी भी एकदम मनाई होती है ढंग से। यहाँ नीचे भी कुछ बचा होगा रामदाना, तो इस साइड भी है, तो ये है, और यहाँ पे ये है, ये देख सकते हो ये है माल्टे का पेड़ ये, और ये देखो ये पत्थर वाले मकान। तो पता है जो ये पत्थर वाले मकान होते हैं ना, और ऊपर मतलब सीमेंट की जगह पत्थर लगाया जाता है इसको, तो इसको
ऐसे तिरछे में लगाया जाता है पूरे ऐसे में, और क्योंकि कभी बर्फ पड़ गई तो सीन ऐसे होगा कि मतलब जैसे ही थोड़ा बहुत धूप थोड़ा बहुत गर्मी होगी तो वो ऐसे पिघल के नीचे चले जाएगा। और अगर ऊपर जैसे सीमेंट का होता है ना तो सीमेंट में ऊपर अटक जाता है, फिर पानी होता है तो फिर मतलब सीलन की दिक्कत होती है, लेकिन उसमें ना वैसा नहीं होता है और उसको परफेक्ट काटा जाता है पता। मतलब उसके आप पत्थर देखोगे ना, मतलब जितने भी ये पत्थर वाले मकान पे जो ऊपर का आप शेप देखोगे ना तो पूरा एक्यूरेट बनाया जाता है उसको, एकदम चौखटे बनाया हुआ तो चौखटे बनाया जाता है, या जहां पर तिरछा टाइप का रखना होगा तो वैसे रखा जाता है, लेकिन एक्यूरेट कटे हुए होते हैं वो। तो वो काटते हैं किसी बड़े पत्थर से, जैसे कोई बड़ा पत्थर मिल गया ना तो उसको मतलब उस पर एकदम हथौड़े से मारना पड़ता है, काफी अच्छे ढंग से उसको निकाला जाता है और फिर उसको हाथ से शेप दिया जाता है उन पत्थरों को, और फिर उनको वहां से घर लाना है। और घर लाके पहले के पहले मतलब गांव में हमारे यहाँ कहीं कहीं तो ऐसे वाले घर अभी भी हैं, जैसे यहाँ पे हमारे जो ये मोहल्ला है ना तो यहाँ पे दो ही घर हैं वैसे, ये दो घर, और ऊपर जैसे मार्केट में है तो वहां भी बहुत सारे घर हैं। तो ये चीज पहले के टाइम पे थी, अब तो वैसे धीरे धीरे ना सब चीज लोग उसे मतलब बहुत ही कम लोगों के होंगे वैसे मकान, तो काफी लोगों ने अब हटा दिया ये पठाली वाला। और जो ये पत्थर वाले ना जो इनको शेप दिया जाता है इनको बोल जाता है पठाली, परफेक्ट शेप रहता है इनका, एकदम चौखट हो गया या त्रिभुज टाइप का होगा तो वो मतलब ऐसे ट्रायंगल टाइप का ऐसा शेप होता है, तो काफी अच्छा शेप होता है, मतलब काफी अच्छे ढंग से उसको बनाया जाता है। तो ऐसा कुछ सीन है, और भी दिखाते हैं आपको आज कुछ। देखो रोने बैठ गया, ओए छोटू, ये देखो हमारी छोटी सी बिल्ली, भूख लगी इसको, जैसे भूख लगती है ना ये रोने रोने बैठ जाता है। तो इसको मैं दूध पिलाता हूँ थोड़ा 5 मिनट में, आप तब तक एक टाइम लैप एंजॉय कीजिए, तो मैं इसको दूध पिलाता हूँ। और हाँ एक चीज याद आई मेरे को कि आपको एक खुशखबरी बतानी थी कि शायद चारधाम यात्रा भी खुल गई है। वैसे परफेक्ट पता नहीं है क्या क्या उसके रूल एंड रेगुलेशन है, लेकिन शायद कोविड की भी आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए दोनों डोजों की, तो और आपके पास शायद नेगेटिव रिपोर्ट भी होनी चाहिए, पता नहीं क्या है कुछ ऐसा ही है शायद, लेकिन उतना मैंने देखा नहीं, लेकिन इतना सुना है कि शायद खुल गई है। और शायद मतलब जो मंदिर में जाएंगे ना लोग तो वो भी मतलब ऐसे जाएंगे कि जैसे उसके हिसाब से होगा, काउंट के हिसाब से कि इतने लोग वहां जाएंगे या इतने लोग, उतना मेरे को पता नहीं है, आप देख सकते हो, लेकिन आपको ये चीज बतानी थी मेरे को। और बहुत से लोग क्योंकि मधमेश्वर के बारे में पूछते हैं और जगहों के बारे में पूछते हैं, तो कपाट तो खुल गए हैं और तो मेरे को पता नहीं है फिलहाल, लेकिन खुशखबरी तो है यार यहाँ केदारनाथ वासियों केदारनाथ के लोगों के लिए, क्योंकि काफी ठीक भी है ना, लोगों की आमदनी ज्यादातर ऐसे ही है ऊपर केदारनाथ पर, कोई लोग डिपेंड होते हैं या यात्रा चलती है तो लोग कमाते हैं, तो ऐसा कुछ सीन है। तो ये आपके पास आपके साथ एक न्यूज शेयर करनी थी, तो ये चीज है। ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए।